तोड़ने में बहुत ज्यादा मेरा टाइम फूकने वाला है वैसे यहां से अगर मैं स्ट्रेंथ ले लूंगा स्ट्रेंथ नहीं फिर से वही गलती हेस्ट हेस्ट अगर मैं से लेके तोड़ूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा बट कोई नहीं यार फिर भी इतनी जल्दी नहीं होगा भाई बहुत सारे ब्लॉक है तो मैंने पता है क्या सोचा कि देखो अभी मैं सीन दिखाता हूं ऐसा मैंने सोचा क्यों वो भी मैं आपको बताता हूं तो ये देखो भाई आप भी हैरान होने वाले हो बहुत ज्यादा मेरे पास इतने सारे विलेजर्स हुआ करते थे पता नहीं, कहां, से यहां पर ना, वैसे कहां से नहीं वो मेरे को पता है कहारिया ना इधर मैंने इतनी ज्यादा यहां पर आए और मेरे इतने सारे विलेजर्स हुआ करते थे सबको मार डाला तीन चार इस गोलम भाई साहब ने बचा लिए ये पता नहीं कैसे अंदर स्पॉन हो गया वरना ये भी नहीं बचते बाकी यार देखो इनसे थोड़ी बहुत ही ट्रेडिंग हो रखी है जो अच्छी ट्रेडिंग वाले विलेजर थे ना जो अच्छा

से जाकर ना वॉटर बकेट डाल देता हूं ऐसे लगेगा कि गाइज एक मतलब कि झरना सी बहकर आ रही है ऊपर से तो काफी अच्छी से लुक हो जाएगी तो भी देखते ही क्या करना चाहिए और उससे पहले गाइज यहां पर है जो कचरा डर्ट है ना उसको मैं हटा देता हूँ एक तो यार इसकी ना रेंज बहुत कम है मेरे को इसकी रेंज बढ़ाने के लिए ना यहाँ पर थोड़े अलग ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं फुल मौज मस्ती में इस डर्ट को तोड़ने में लगा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि यार मेरी डायमंड शवल की जो एच पी है वो एकदम खत्म थी और मैंने मजे मजे में उसको पूरा तोड़ डाला तो चलो कोई नहीं अपने थोड़े बहुत डायमंड वैसे एक डायमंड वेस्ट हो गया एक डायमंड से बन जाती है अपनी डायमंड शवल बट हाँ यार डायमंड तो वेस्ट हो गया ना उसके अंदर दिक्कत यह है कि काफी अच्छी खासी इंचमेंट भी लगी हुई थी बट कोई दिक्कत की बात नहीं गाय अभी हम लोग

हैं और ये तो कुछ भी नहीं कर पाते और इनके तो एक पड़ेगी सीधा भाई कुछ ज्यादा नहीं इधर स्पोन हो गए हैं जोम्बी इतनी ज्यादा एक्सपी मेरे को नहीं चाहिए जब चाहिए होती है तो आते नहीं है चलो कोई नहीं सस्ता एक्सपी फार्म बना हुआ है ये एरिया पता नहीं क्यों इतने ज्यादा मॉब्स आ रहे हैं और ये देखो नहीं है भाई छुट्टे नहीं है ये क्या कर रहे हैं ओ तेरी स्केट खोल दिया मैंने गलती से तीर मारने के चक्कर में और रुक जाओ एक पड़ेगा इसको भाई कुछ ज्यादा जान नहीं आ रही है या तो मेरी भू कमजोर हो गई है या ये लोग कुछ ज्यादा ताकतवर से हो गए हैं चलो कोई नहीं जो भी है लगे यहां तो अपने सारे मैंडिंग वाले चीजें रिपेयर हो रही है अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग बेचैनी ओ चैन लेकर रेस्ट कर सकते हैं मैं बोलने जा रहा था बेचैनी से रेस्ट कर सकते हैं ओके अभी फिलहाल अपने विलेजर्स भी उठ गए हैं ऐसे बेल बजा ताकि जो नहीं उठाए वो उठ जाए फिलहाल जल्दी से हम लोग निकलने वाले हैं फटाफट से किसी जंगल में वुड से इकट्ठी करने के लिए बाकी जो अपना पोलर बियर का घर है ना गाइज ये एक टाइप से सैड न्यूज कह सकते हो इसको मैं तोड़ने वाला हूँ वहां ऐसा नहीं ऐसे परमानेंट तोड़ देंगे इसको मैं पीछे ले जाकर बना दूंगा ये क्या है ना कि अपने कासल की लुक थोड़ी बहुत खराब कर रहा है तो देखो आधा कासल दिखता नहीं है इसके चक्कर में निकल यहाँ से ठीक है तो इसको मैं तोड़ के ना पीछे बनाऊंगा ताकि अपना जो कासल का फ्रंट है ना वो एकदम क्लियर रहे और ये जो बैंबूज वगैरह है पांडा भी चार हो चुके हैं तो इसको भी पीछे मूव कराना है बट उससे पहले टाउन हॉल बनाऊंगा फिर वहां पे फार्म बनाऊंगा फिर एक जंगल बनाऊंगा पांडे के लिए बहुत कुछ बनने वाला है भाई देखो सीन क्या है मुझे ना क्राफ्टिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है आपको भी मेरी जितना मजा आता है तो प्लीज यार कमेंट में जाकर अपना योगदान जरूर देना अभी जल्दी से पहले हम लोग चलते हैं सामने की तरफ में जो व्हाइट वाले ट्रीज है ना इसको तोड़ता हूँ इसकी सैपलिंग भी लेकर आए यार मेरे को ना शेयर बना लेना चाहिए था फिर इसकी सैपलिंग

ओक प्लांक्स के। तो अभी को और करने की जरूरत नहीं है और अभी ना ये जो नॉर्मल तो ब्रिक, ब्रिक है ना जहां तक मुझे पता है तो अभी फटाफट से ढूंढने के लिए निकलने वाला हूं क्ले नॉर्मली हमें मिल जाती है रिवर वगैरह के साइड में भाई अंधा पानी है

में से कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी जो मेरे को ब्रिक्स बनाने हैं ना उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्ले की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तो अपना टाउन हॉल जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है जैसा मैंने सोच रखा है बाकी अब बनाएंगे वो तो तभी पता चलने वाला है तो यहाँ से सारी क्ले इकट्ठी कर करता हूँ और अभी ना निकलते हैं अगर और की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आ जाएंगे लेने के लिए ऐसा तो है नहीं की गायब हो जाएगी तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने ढेर सारी क्ले कलेक्ट कर लिया और अभी जल्दी से मैं निकल रहा हूँ सीधा अपनी कासल के लिए और मैं ना यहाँ से कुछ ये जो स्ट्रिप्स है ना इसे भी कलेक्ट करके ले जाता हूँ इसको भी लगा देंगे कहीं ना कहीं क्योंकि इससे ना थोड़ी बहुत ओल्ड थीम आ जाती है जो कि मेरे हिसाब से ना काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी और अभी तक ये टूट रहा था टूट क्यों नहीं रहा एक सेकंड ये स्वर्ड से भी नहीं जा रहा और ये पिकेक से तो वैसे भी जाने नहीं वाला पता नहीं यार कि इसका क्या सीन है अभी तक तो ये टूट रहा था बट अभी नहीं टूट रहा अच्छा जो ऐसे में लटक रहे हैं वो टूट रहे हैं बट जो इस डायरेक्शन में लटक रहे हैं वो क्यों नहीं टूट रहे भाई ये क्या सीन है पता नहीं यार क्या है अब ये ग्लिच है या फिर क्या है भाई नहीं ग्लिच तो नहीं होगा भाई इसमें ग्लिच बिल्कुल नहीं होता तो जो भी है वो ऐसा ही होगा तो चलो लोग अभी ना फिलहाल पीछे से मैंने काफी सारी क्ले कलेक्ट कर लिया और अभी मैं भागता भागता पहुंचने वाला हूँ सीधा अपने कासल में और एक काम करता हूँ ये जो वाइन्स है ना गाइस इसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं काफी ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में और अगर इसको कहीं पर भी लगाऊंगा ना तो वो थोड़ी ओल्ड थीम आ जाती है और सबसे अच्छी बात है ना ये थोड़ा लेडरस का भी काम करती है हम ना इसके ऊपर लटक के इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं मतलब कुछ उस टाइप का सीन है तो भी फिलहाल ये वाली मैंने कलेक्ट कर लिया है वैसे इस तरफ में नहीं थोड़ी सी अलग थीम की वाइन है ये थोड़ी अलग टाइप के मतलब कि कलर की है तो बट मेरे को ये वाली ज्यादा अच्छी नहीं लग रही तो इसलिए हम ये डार्क ग्रीन वाली लगाने वाले हैं तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते अपने कहा साल में पहुंचने वाला हूँ और एक काम करता हूँ ये जो मैं वाइन से इकट्ठी करके लाया हूँ ना एक बार मैं ट्राई करता हूँ अगर कर इसको यहाँ लगाऊंगा तो कैसे लुक आने वाली है और ये लग नहीं रहा यार अच्छा ऐसे नॉर्मली नहीं लगते क्या है मेरे को तो लग रहा था कहीं पर भी लग जाते हैं एक काम करता हूँ यहाँ यहाँ तो ऑलरेडी कुछ लगा ओके लग तो रहे हैं पता नहीं वहाँ क्या सीन था और हमने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ना लेड्रस टाइप देखो चढ़ भी सकते हैं तो काफी ज्यादा बढ़िया आइटम है उसको मैं तोड़ रहा हूं तो तेरी ये तो

तो यहाँ पर एक और रख देता हूं एक इधर रख देता हूं और फटाफट से गाइस जो कोल है उसको आधा निकाल के हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं और आधा निकाल के आधा इससे निकालूंगा ना, हाँ ठीक है आधा निकाल के इसके अंदर डालते हैं और फटाफट से आधी क्ले यहां पे और आधिकले यहाँ पे और अभी ये पता नहीं भैया कितना टाइम लगाएंगे ब्रिक्स बनने में एक काम करता हूं जितने ब्रिक्स बन गए हैं ना उसको हाँ चार से अपना काम हो जाना चाहिए तो मैं इसको ऐसे रखता हूं और ये देखो गाइस इसी ब्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ब्रिक है और चार ब्रिक्स मिलाकर कुछ इस टाइप का अपना एक ब्रिक बन जाएगा और इसी को यूज करके गाइज मैं ये भी यूज करेंगे थोड़ा ब्लैक स्टोन भी यूज करेंगे ब्लैक स्टोन ब्रिक्स यूज करेंगे और ये सिंपल वाले अपने स्टोन ब्रिक्स यूज करेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे अपने एक नए वाले टाउन हॉल को जिसके अंदर रहेंगे विलेजर्स अभी फिलहाल इतना काम अपना हो

दो नीचे नीचे तो चलो अभी ना फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 29 ब्रिक्स ही बने हैं और मुझे पता है क्या लग रहा है कि क्ले बॉल की कमी पड़ने वाली है मुझे शायद से दोबारा जाना पड़ सकता है बट कोई दिक्कत की बात नहीं चले जाएंगे वैसे भी काफी सारी क्ले बॉल तो कन्वर्ट ही नहीं हुई है यार जब कन्वर्ट होगी अपना काम हो जाएगा तो भी थोड़े से मैंने यहां पर ओवर क्राफ्ट कर ले जल्दी से इसको भी तोड़ ले अंदर डाल ले तो अभी ना फिलहाल इसके अंदर मैंने काफी सारे स्टोन ब्रिक्स रखे हुए थे ये मैं कलेक्ट कर लेता हूँ मुझे स्टेयर्स बनानी है और ये जो मोसीकॉबल स्टोन है ना ये अगर मैं चाहू तो और लेकर आ सकता हूँ इससे थोड़ी बहुत अच्छी लुक आ जाती है यहाँ पर ये थोड़ी बहुत स्टेयर इधर भी पड़ी है सारा बचा कुचा माल गाइज आज यूज होने वाला है तो हाँ इतना बहुत है ठीक है अब एक काम करता हूँ ये जितने भी है ना इसको मैं स्लैब में कन्वर्ट करता हूँ स्लैब में कन्वर्ट करने के लिए शायद यूं रखने पड़ते हैं ना ठीक है तो ये स्लैब में कन्वर्ट हो जाएंगे तो चलो गाइज अभी ना फिलहाल मैं एक काम करता हूँ जो मैंने स्टोन ब्रिक्स कलेक्ट कर रहे हैं ना इनको मैं स्लैब में कन्वर्ट कर लेता हूँ ठीक है तो भी यहाँ पर काफी सारे स्लैब भी अपने पास हो जाएंगे और एक दो तीन ठीक है अभी पता नहीं कि टोटल कितने स्लैब्स हो गए अपने पास 64 और 44 स्लैब्स तो मतलब स्लैब्स अपने पास हो चुके हैं और इससे गाइज मैं अपने जो टाउन हॉल है ना उसका बेस बनाने वाला हूँ बट उससे पहले गाइज एक बार इन्हें चलकर सो जाते हैं क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा मॉप आ चुके हैं इस टाइम पे तो चलो गाइज अभी ना फिलहाल नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं सोकर उठ चुका हूँ मेरे हिसाब से भी जितने भी मॉप्स हैं ना वो जलना शुरू हो गए होंगे और अब वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे

ठीक है यानी दो ब्लॉक्स का सेंटर है तो एट्थ ब्लॉक पे हमें स्टार्ट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये दोनों ब्लॉक अपने सेंटर ब्लॉक्स हो गए तो यहाँ पर मैं कुछ रख देता हूँ ठीक है ये दो प्लैंक्स मैं रख देता हूँ और नहीं 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 एक, एक सेकेंड यार कुछ मैंने गड़बड़ करी है इधर एक प्लैंक रखता हूँ अब बराबर होगा शायद अच्छा ओ क्रीपर भाई साहब ये कम में टपका यार इसने पूरा का पूरा खोखला कर डाला और ये देख लो भाई अपने गार्डन के नीचे ये क्या हो रखा है ये थोड़ा ना मतलब इतनी ज्यादा डर्ट लगाने बैठोगे तो सीधी सी बात है बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने ऊपर ऊपर डर्ट लगा रखी थी बाकी ये कबाड़ मचा गया और सारी की सारी डर्ट मैंने अंदर रखी हुई है चलो कोई नहीं उसे लेकर आता हूँ इसको ठीक करते हैं भाई कहाँ है मैं अपना कासल बढ़िया करने की सोच रहा हूँ पूरे तोड़ मचा रहे हैं बाकी अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर ना फार्म बनाने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इधर ना ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा शीप और ये काँव वगैरह स्पोन होते रहती है तो ईजीली मैं उनको उठा के रख लूँगा तो चलो अभी फ़िलहाल इस एरिया को मैंने ठीक कर दिया और मुझे नहीं मालूम कब तक यहाँ पर ग्रास रुकेगी और एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छ तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने पहले जब मेजरमेंट किया था तो ये जो लेफ्ट वाली साइड है ना थोड़ी सी बड़ी थी अभी मैंने उधर का एक ब्लॉक तोड़ के दूसरा ब्लॉक लगाया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब एकदम बराबर है चलो ठीक है हमें सेंटर के दो ब्लॉक मिल चुके हैं अब बस हमें आगे का काम यहाँ पर स्टार्ट करना है अब ये अपना सेंटर हो गया ना ठीक है तो एक बार मैं इसको लेकर थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ और इतने गैप में हम लोग अपना टाउन हॉल बनाने वाले हैं थोड़ा सा मतलब यार दूर तो होना चाहिए ना तो यहां पर हम लोग डर्ट रख देते हैं ठीक है तो इतने गैप में गाय अपना टाउन हॉल बनने वाला है यानी जो विलेजर का घर है वो बनने वाला है बाकी यार ये जो बैक का एरिया ना यार मेरे को ठीक करना पड़ेगा एक काम करते हैं थोड़ा सा आगे बनाते हैं वरना वो छोटा पड़ जाएगा थोड़ा तो जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं बेस में स्लैब लगाने वाला हूं तो यहां पर इसको भी मैं तोड़ता हूँ इसको लगाता हूँ इसको तोड़ के इसको लगाता हूँ तो दो स्लैब ही हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात अब सेम टू सेम उस साइड पर तीन चार पाँच छ सात एक बार इसे मेजर कर लेता हूँ हाँ बढ़िया लग रहा है इससे थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा नहीं ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा एक दो तीन उस साइड भी तीन और लगाता हूँ और मेरे को स्लैब की कमी ना पड़ जाए एक दो तीन तो ये टोटल एटीन ब्लॉक्स हैं यानी मेरे को इधर सेवनटीन लगाने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे को लग रहा है स्लैब्स की थोड़ी बहुत कमी पड़ने वाली है और वो कमी पड़ गई बट कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा अपने फार्म पे स्टोन फार्म मुझे मालूम है कि अपना रुक चुका है उसका जो ऊपर ड्यूपर था ना गाइस वो गलती से टूट गया अब पता नहीं वो कैसे टूटा उसके अंदर ना गाइस कोई ना कोई छोटी मोटी गड़बड़ है मैंने आपको बताया था उसमें यार मतलब ना एकदम टाइमिंग से वो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा वो सीन जो था ना उसका वो सारा मेरे को समझना पड़ेगा तब मैं उसे ठीक कर पाऊंगा वरना मैं दोबारा से ड्यूपर बनाऊंगा फार्म चलेगा मतलब

काफी ज्यादा स्टोन मैंने कलेक्ट कर लिया है जल्दी से गाइज हम लोग यहां से निकलते हैं ये सारी की सारी चेस्ट में भाई स्टोन, कौबल स्टोन, कौबल स्टोन भरा पड़ा है पीछे वाली थोड़ी ना खाली है क्योंकि जब आगे वाली फिल हो जाएगी ना उसके बाद ही पीछे वाली में जाएगा और इसके इसके अंदर अंदर मेरे को ना थोड़े से प्लैंक्स डालता हूं। क्योंकि जब प्लैंक जाएंगे तो ये जो माइन कार्ट है ये उसको उठाएगी फिर फर्नेस में डालेगी फिर उसके बाद अपनी जो कॉबल स्टोन है वह स्टोन में कन्वर्ट हो गए भाई सच्ची में जो फार्म है ना मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे जॉइंट नहीं यार सबसे जॉइंट ये वाला है इसके अंदर बहुत टाइम लग गया था तो चलो गाइस फिलहाल मैं वापस से भागता भागता अपने दूंगा जितने भी स्टोन ब्रिक्स हो पाते हैं उन्हें मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं जितना लेकर आता हूँ जितना भी पॉसिबल है बन जाएगा अपना यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा ही बन गए हैं ये देखो भाई पूरा का पूरा इस टाइम पर इन्वेंट्री अपनी इसी से भर चुकी है स्लैब्स बना लेता हूँ काफी सारे रुको यहाँ पर रखता हूँ थर्टी टू इधर मेरे हिसाब से इस टाइम पर सिक्स भाई कुछ ज्यादा स्लैब बन गए बस बस भाई इतने स्लैब होते हैं इतने सारे तो नीचे गिर गए तो चलो गाइज अभी काफी ज्यादा स्लैब हो गए हैं तीन चार स्लैब की कमी थी और उसके चक्कर में मैंने पता नहीं कितने सारे बना डाले और अपना जो टाउन हॉल है ना गाइज वो मेरे को थोड़ा बहुत ना छोटा छोटा सा लग रहा है तो इसको और बड़ा करते हैं अब क्योंकि अब अपने पास ब्लॉक्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है तो ओके गाइज जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल वो सारे के सारे स्लैब्स मैंने तोड़ डाले हैं जो कि मैंने पहले लगाए थे पता नहीं यार मैं ऐसा क्यों करता हूँ बट हा मुझे ना काफी ज्यादा बढ़िया चीजें

मेरे हिसाब से ठीक रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अभी दो दो ब्लॉक्स में दोनों साइड से बढ़ा देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओ सॉरी टेन इधर आएगा अब इसको तोड़ते हैं तो गाइज ये ना टोटल वहाँ से लेकर यहाँ तक ट्वेंटी टू स्लैब्स हैं तो मुझे ट्वेंटी टू स्लैब्स ही चारों तरफ लगाने हैं ताकि ये पूरा स्क्वायर हो जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो, तो फिलहाल चारों मैंने बराबर करके कर डाली है। और अभी ना काफी अच्छी खासी लुक मेरे को अंदर से देखने में लग रही है कि जो अपना बेस था ना, वो पूरा रेडी हो चुका है और सही बताऊं तो मेरे को तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है अब बस टेंशन इस चीज की है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत क्लोज हो गया हो मैं ना गाइस थोड़ा ज्यादा दूर बनाना चाहता था पर यार उसके लिए मैंने बताया था ना मुझे तोड़ना पड़ेगा बट कोई नहीं बन गया तो बन गया और बाद में गंदा लगेगा तो उसे तोड़ देंगे बट जब तक बन नहीं जाता तब तक हम जज नहीं कर सकते कैसा हमें लगने वाला है और अभी फिलहाल मैं कुछ बड़े ना स्टोन ढूंढ रहा हूं जो कि इस पर अच्छे खास सूट करें वैसे इससे भी तो यहाँ पर बनता है ना कोई ब्लॉक न ब्रिक्स अच्छा ये डार्क प्रिजमरीन हो जाएंगे गैस किसी दिन दोबारा से वो अंडर वाटर ब्रीथ करने वाला पोशन बनाऊंगा और फिर हम लोग जाकर ना पूरा का पूरा ओशन मोन्यूमेंट ही तोड़कर ले आएंगे भाई वो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा और अभी फिलहाल यहाँ पर अपना इतना काम हो चुका है ना हाँ तो अभी जल्दी से बेस रेडी हो गया है यहां पर अपना जितनी भी क्ले है ना जल्दी से मैं उससे ब्रिक्स बनाकर लाता हूँ मेरे हिसाब से अभी तक तो वो शायद सारी की सारी कन्वर्ट भी हो गई होगी तो जितने भी ब्रिक्स पॉसिबल है सारे के सारे क्राफ्ट कर लेते हैं और फिर फटाफट से अब मेरे को लगता नहीं है ज्यादा टाइम हमें लगने वाला है इस को बनाने के लिए, ओके तो 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 पूरा भर चुका है तो कन्वर्टिंग भी स्टार्ट कर देते हैं लगे हाथी तो 64 हमने पर कलेक्ट थे इधर 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 रखने इदर रखने इदर रखने और ये हो के कन्वर्ट टोटल 16 ब्रिक्स आ चुके हैं और इस तरीके से बहुत टाइम लगने वाला है इसलिए इसको सारे के सारे ब्रिक्स यहाँ से कलेक्ट करने ये हो गए कलेक्ट और इसके अंदर कोल खत्म हो गया सारे कन्वर्ट नहीं हुए रुक जाओ ये सारा कोल उठा के मुझे इसके अंदर डालना है अभी ये कन्वर्ट होगा इसमें से बाकी जितना भी मैं हमें मिलना था ना वो सारा मिल चुका है इससे ज्यादा क्ले अपने पास नहीं थी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने पास बहुत कम ब्रिक्स हैं चलो कोई नहीं तो ओके okay, गाइस अभी ना फिलहाल अपने पास टोटल वन हंड्रेड थर्टीन ब्रिक्स हो चुके हैं और मेरे हिसाब से इतने बहुत रहेंगे अभी जल्दी से मैं शलकर बॉक्स को लेकर चलता हूँ सीधा पीछे की साइड पर और फटाफट से अपने टाउन हॉल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं इसको बनाने के लिए मैं ब्रिक्स यूज करूंगा वुड प्लैंक्स यूज करूंगा और एक काम करता हूँ वो जो अपनी नॉर्मल वुड लॉग होता है ना उसको भी यूज करेंगे वो भी काफी ज्यादा बढ़िया लुक देगा एक जो कॉर्नर वाली साइड होगी ना वहां पर हम लोग उसी को लगाने वाले हैं बट जो मेन अपना ये बेस होगा ना यहां पर तो मैं अपना ये ब्रिक्स लगाऊंगा तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं अपना शल्कर बॉक्स इधर रख लेता हूँ और यहां पर जितने भी ब्रिक्स है उनको बाहर निकाल के अपनी क्राफ्टिंग जो है उसे स्टार्ट कर देता हूं तो मैं पता है क्या चाह रहा हूं कि ये जो इतना एरिया ना यहाँ पर अपनी ये वॉल बनेगी ठीक है कॉर्नर में छोड़ दूंगा क्योंकि कॉर्नर में वो जो मैंने बताया ना मैं लॉग लगाने वाला हूँ ट्री के वो काफी सही लगेंगे और जो बाकी एरिया

और बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लग रहा है एक काम करते हैं जो पहले कॉर्नर्स है ना वो मैं कंप्लीट कर लेता हूं तो मैंने टोटल कितनी हाइट दिया यहां पर मैंने गिना नहीं शायद तीन ब्लॉक है चार पांच तो अपनी पांच ब्लॉक की यहां पर हाइट हो चुकी है और नहीं छह दे देते हैं ज़्यादा बढ़िया रहेगा हाँ इतनी हाइट ही मैं चाह रहा था नहीं इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कॉर्नर ठीक हो जाएगा बाकी बीच वाली साइड हम थोड़ी सी कम कर देंगे क्योंकि मैं इसके छत भी बनाने वाला हूं तो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स सिक्स ब्लॉक्स की हाइट हम हर कॉर्नर पे देते हैं बाकी उसके बाद अभी मेरे को ना गाइस और क्ले इकट्ठी कर करने जाना पड़ेगा और इस बार मेरे को पूरा का पूरा शलकर बॉक्स भर के लानी पड़ेगी क्योंकि जितनी मैं लास्ट टाइम लाया था ना ये काफी ज्यादा फाइव सिक्स वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेम टू सेम उस साइड पर वन टू थ्री फोर अरे यार अपने पास सारे के सारे गाइस ब्रिक्स ही खत्म हो गए हैं चलो कोई नहीं जल्दी से और लेकर आते हैं अपना जो टाउन वाला गाइस मतलब अभी थोड़ा बहुत तो समझ लो बन चुका है और उस साइड पर भी मैंने एक पिल्लर नहीं बनाया चलो कोई नहीं अभी फटाफट से हम लोग एक बार चल के सो जाते हैं दिन हो जाएगा और वैसे भी अभी मैं दोबारा से क्ले इकट्ठी करने जाना है कोई ज्यादा खास काम करना नहीं है और इसी वजह से गाइज मेरे सारे के सारे विजर्स मरते हैं ये देखो भाई क्रीपर व्रीपर क्यों स्पोन हो रहे हैं ये लैंड किसी काम की होती नहीं है क्या यार पता नहीं क्या है चलो कोई नहीं सील एंटर लेकर आएंगे वो तो किसी ना किसी काम की होगी बाकी भैया मेरे को सोने दो गोलम भाई साहब तो चलो ना फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूं। अगला दिन भी पर हो चुका है तो ओके okay, ना फिलहाल मैं अपने कासल से दूर सबसे बेस्ट जगह पर आ चुका हूँ जहां पर हमें ईजीली काफी ज्यादा क्ले मिल जाती है मतलब यार देखो क्ले नॉर्मली रिवेर वगैरह के भी आसपास मिल जाती है पर ये जो कुछ इस टाइप का एरिया होता है ना जहाँ पर पानी का कुछ अलग ही कलर दिख रहा है मतलब यहां पर ना पानी ज्यादा गहरा नहीं होता और इस पूरे के पूरे एरिया में बस क्ले ही क्ले दिखते हैं देखो ये रि कले आगे भी सारी क्ले है इधर कोई

कलेक्ट कर लिया कि मेरी पूरी की पूरी इन्वेंट्री क्ले से ही भरी पड़ी है और जो भी छोटा मोटा फालतू का सामान था ना मैंने सारा फेंक दिया अब बस इसमें मेरी गलती यह है कि मुझे ना शलकर बॉक्स अपने साथ लेकर आना चाहिए था वो ज़्यादा बेटर रहता बाकी मेरे को ना यहाँ से थोड़ी बहुत वुड इकट्ठी करनी है और उसके लिए मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ वरना नीचे जो मॉक से परेशान करेंगे और ये ऊपर कहाँ से आ गई भाई मेरा एक डॉग तो टेलीपोर्ट होकर आ चुका है भाई ये एक सेकेंड भाई ये इसको भी ऊपर ले ही ये क्या चल रहा है मैं ऊपर क्या करने आता निकल यहाँ से तू तो ऊपर नहीं आएगा बाकी सब आ जाएंगे और ये एंडरमैन भी मेरे पीछे पड़ गया उधर रास्ता है क्या ऊपर आने का मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई एक मिनट रुक जाओ यार ऊपर तो ठीक है तो गाइस मुझे ना थोड़ी बहुत कलेक्ट करनी है, अपना जो है उसका पिलर बनाने के लिए। लेकिन बट कोई नहीं फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम मिला है और पीछे क्रीपर ब्लास्ट हुआ था जिसने भैया मेरा डॉग मार दिया बट कोई नहीं अभी ठीक है यहाँ पर काफी सारी वुड्स भी कलेक्ट हो गई है और डॉग तो हम लोग गाइस एक के बाद बना ही लेते हैं फिर कोई भी रोफ फूड खिला

इतना भी क्ले में लेकर आया हूँ ना उसको कन्वर्ट करने के लिए फटाफट से जितने फर्नेस सारे के सारे काम पे लगने वाले वापस से तो सब के अंदर बस मैं भरते ही जाता ये भी भर दिया कमी पड़ने वाली है बट कोई नहीं प्लैंक्स काफी सारे हैं तो मैं इस ये इससे भी अपना काम हो जाएगा ठीक है तो फिलहाल यहां पर छे के छह फर्नेस में कन्वर्टिंग स्टार्ट हो गई है और अपने पास अभी और भी फर्नेस है ऐसी बात नहीं है पीछे अपने दो फर्नेस और दो है कि चार है वहां पर मैंने इधर शायद है अपना टाइम वेस्ट करूं कोल भी होगा पक्का है हो ही नहीं सकता इसके अंदर कोल ना हो प्लैंक्स तो है पर कोन लिया है किसी के अंदर ये देखो इधर काफी सारे फर्निश रखे हैं तो इसको निकालता हूं इसको डाल देता हूं ठीक है और अभी इसके अंदर मेरे को प्लैंक्स डालने पड़ेंगे चलो डाल देता हूँ प्लैंक्स की उतनी अभी जरूरत नहीं है तो एक काम करता हूँ पहले जो ऑक लॉग है ना इससे मैं पिलर बना देता हूँ बाकी फिर जितने भी प्लैंक्स बचेंगे ना उनसे उनको मैं यहां पर लाकर लगा दूंगा कन्वर्ट होने के लिए पहले पिलर अपने कंप्लीट हो जाने चाहिए तो तो हाँ टोटल बस इतने ही लगने वाले हैं एक बार ये मैं साइड से लुक देख लेता हूँ कैसी आ रही है तो हाँ जैसी लुक में चाहता था सेम टू सेम वैसी आ रही काफी ज्यादा बढ़िया सी और अभी बस मेरे दिमाग में एक मस्त चीज चीज और आई है मुझे ना इसको गाइस थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये कुछ ज्यादा ऊंचा सा हो गया तो यहाँ पर इसको मैं तोड़ देता हूँ और इसको तोड़ने के लिए मेरे को एक्स चाहिए होगी मैं टूट तो ये इससे भी जाएगा पर मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता फिर क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ पर एक और आयरन एक्स बना लिया है अभी जल्दी से जल्द के मैं चारों साइड के पिलर कंप्लीट कर देता हूँ तो पहले अपनी टोटल सेवन ब्लॉक्स की हाइट थी बट अभी मैं सेवन ब्लॉक्स की हाइट को ना कम करके इसे सिक्स ब्लॉक्स की हाइट कर रहा हूं तो बस हर साइड से ना ऊपर से एक एक ब्लॉक तोड़ देना है कुछ इस टाइप से तो इधर भी मैं ये वाला ब्लॉक इसे तोड़ने वाला हूं बट उससे पहले ना पिलर बनाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो एक सेकंड ये सिक्स हो गए तो इसको मेरे को बस सेवन करना है ये वाला ब्लॉक तोड़ देना है ठीक है तो भी सेम टू तो सेम इसी तरीके से मेरे को ना चारों साइड करना है ताकि अपना बस काम हो जाए यहां पर भी जल्दी से, से सेम टू तो सेम इस साइड पिलर बनाते हैं और ऊपर के दो ब्लॉक तोड़ देंगे तो ओके okay, जैसे कि आप लोग तो यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल अपनी चारों कॉर्नर पिलर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अब बस मेरे को ना यहाँ पर बेस बनाना है तो बेस बनाने के लिए मुझे काफी सारे स्लैब्स होंगे तो यहाँ से स्लैब्स निकालता हूं मेरे फटाफट से गाइजेस इसको मैं यहां पर लगाना शुरू कर देता हूँ जल्दी से और जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तब तक हमारी शायद से ये जो मतलब ब्रिक्स हैं जो क्ले बन रही है

स्टार्टिंग में आपको ये काफी ज्यादा अजीब सी लगेगी बट ये अजीब है नहीं तो यहां पर एक दो तीन चार पांच तो पांच स्टेयर्स मैंने इधर लगा दी पांच इधर भी लगाता हूं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है और ये जो बीच का गैप है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अब इन स्टेयर्स को मैं तोड़ने भी वाला हूं मतलब अभी अभी आपको अजीब सा लग रहा हूँ क्या कर रहा है बना रहा है तोड़ रहा है बट जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तब तो इसकी लुक देखना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है तो ठीक है अभी मैंने इसको इस तरीके से कवर कर दिया है और अभी मैं ना बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी जो क्ले है वो कंप्लीट हो जाएगी ब्रिक में फिर उसके बाद आगे का काम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी ना मेरे को सारी की सारी वॉल बनानी पड़ेगी इसी की फिर उसके बाद हम लोग आगे काम कर पाएंगे और यहाँ पर ना मेरे को इसके ऊपर ग्लास बनाने यानी विंडो बनेगी काफी सही चलो ना फिलहाल मैंने पूरा का पूरा आधा घंटा लगा के वो सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है हो सकता है कि इसमें भी काफी ज्यादा चीजों की कमी पड़ जाए बट यार देखो एक एक करके सामान कलेक्ट करने में ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था खड़े खड़े होकर वेट करना पड़ रहा था इसलिए मैंने पहले सोचा कि सब चीज बना लेते हैं उसके बाद अब क्राफ्टिंग शुरू करेंगे तो भी सब चीज अपनी बन चुकी है अभी जल्दी से चलकर हमें बस यहाँ पर अब बनाना स्टार्ट करना है तो लास्ट टाइम मैंने बस यहीं पर छोड़ दिया था और मैंने कल कर सीधा था कोल्ड ढूंढने के लिए क्योंकि अपने पास भैया सब चीज की कमी हो रही थी और अभी फिलहाल ना देखो यहां पर मेरे को इसको लगाने अपने सारे के सारे ये वाले ब्लॉक्स पहले थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं इस टाइम पर भैया भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है तो चलो ठीक है अब जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे को ना इस टाइम पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ओके तो अभी ये अपने पास आ चुके हैं तो बीच वाली जो साइड है ना गाइस यहां पर तो मैं इसे कुछ इस तरीके से ऊपर ले जाने वाला हूं ओके वन

और अपनी जो विंडो है वगैस वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद बस हमें टॉप का, का काम करना है बाकी अंदर तो भैया जितनी डेकोरेशन करेंगे उतनी कम है तो अंदर का काम हम लोग बाद में करेंगे जब बाहर का एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा जैसे मैं कासल में करा था बेचारा आज तक अंदर से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया बस जिस एरिया में थ्रोन है वो एरिया मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया वैसे तो चलो अभी फिलहाल अपना जो टाउनऑल है मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक मेरे को लगने लग गया है जैसे इसकी छत बनेगी और जैसे इसका गेट बनेगा ना काम पूरा खत्म समझ लो ये कंप्लीट हो जाएगा अब जल्दी से गाइस इसकी छत बनाते हैं बट छत से पहले ना गाइस मैं गेट बनाता हूँ वो ज्यादा बेटर रहेगा और मेरे दिमाग में जो गेट चल रहा है ना वो थोड़ा सा अलग है तो पहले मेरे को ना उसके लिए इसे तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर ना मैंने थोड़े बहुत और ना ओक लॉक कलेक्ट कर लेते हैं उसी को बनाने के लिए तो उसका ब्लॉक जो है ना वो यहां जाएगा और सेम सेम टू भाई ये कुछ ज्यादा चौड़ा गेट नहीं हो जाएगा जिस हिसाब नहीं हाँ बढ़िया लगेगा भाई क्योंकि गेट यार देखो पहली बात ना बड़ा होना भी चाहिए क्योंकि यहां पर भैया विलेजर्स रहेंगे तो उनको अंदर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो ठीक है गेट बनाने के लिए यहां पर इतने ब्लॉक लग गए एक दो तीन चार इतने लगा देता हूँ बाकी गेट थोड़ा ऐसे रहेगा कर्व टाइप रहेगा तो बाद में बीच में ऊंचे ब्लॉक्स लगा दूंगा लेडर्स या फिर स्टेयर्स लगाएंगे हाँ तो अभी इसकी लुक ना काफ़ी अच्छी सी आ रही है तो एक काम करता हूँ इसकी लुक को और बढ़िया करने के लिए मैं यहाँ पर ना इसको इस टाइप से ना स्ट्रिप्ट कर देता हूँ तो हाँ ये अभी और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तो पूरे के पूरे को ना गायस मैंने स्ट्रिप्ट कर डाला है तो ओके गायस देखो अभी ना फिलहाल मैंने कुछ ऐसा सा सीन कर दिया है कि लगेगा कि जो बेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत सा है ये देखो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सच्ची में एक डोर है तो चलो

तो यहाँ लगाते हैं पहले स्टेयर्स इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ब्लॉक यहाँ पर भी सेम ऐसे करते हैं ब्लॉक लगाया देन इधर स्टेयर्स फिर इधर भी स्टेयर्स फिर इधर भी स्टेयर्स और गाइस जैसी मैं लुक चाह रहा था ओ, 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 ये अच्छा ऊपर वाली स्टेयर्स उल्टी लग गई वही मैं कहूँ ये लुक वैसी आ तो जाएगी बट आई नहीं ठीक है अब शायद से आ जाएगी तो हाँ गैस, जो मैं जो था, सेम सेम टू वैसे ही बन गया है बट एक सेकेंड यार हम लोग इतना बड़ा एंट्रेंस गेट नहीं बना सकते वरना मेरे को फिर काफी सारे डोर्स लगाने पड़ जाएंगे और पूरी की पूरी लुक खराब हो जाएगी और अगर मैं डोर्स नहीं लगाऊंगा तो फिर जोबिस अंदर घुस के विलेजर्स को मार देंगे तो मैं एक काम करता हूँ इस साइड पर ना स्ट्रिप्ड ऑक लॉक्स लगा देता हूँ जिससे जो लुक है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी देखने में तो सेम टू सेम मैं इस साइड भी करता हूँ ठीक है तो इधर भी करना है

और एक और आगे करते हैं देन ये वाला यहाँ लगा देते हैं बस तो अब आएगी एकदम मस्त लुक और ये जो बाकी नीचे वाले दो ब्लॉक्स हैं गाइस इसको मैं तोड़ देता हूँ एक ये क्या दूसरा सेम टू तो सेम मेरे को इस साइड पे भी करना है तो पहले मेरे को यहाँ पर दो ब्लॉक आगे के लगाने है। एक दो और जो बाकी दो हैं उसको कुछ इस एक सेकेंड थोड़ा सा उल्टा लग गए एक रखना है उसको मेरे को यहाँ लगा देना है तो ओके okay गाइस अभी ना फिलहाल मैंने दोनों साइड पर उधर फेस करते हुए दो दो ओक लॉक्स लगा दिए हैं अभी मैं इसको स्ट्रिप नहीं करने वाला है ये मेरे को ऐसे ही बढ़िया लग रहे हैं तो अब बस मुझे यहाँ पर क्या करना है ये जो स्टेयर्स है ना गायज मैं इसको कुछ इस साइड पर लगाने वाला हूँ उसको पूरा ना वहां तक ले जाएंगे और फिर उसके बाद ना फ्रंट से लुक देखेंगे वैसे भी ना इसकी लुक बढ़िया ही आ रही है मेरे को पता है ये कहीं से भी अभी घटिया नहीं लग रहा है बस इसको कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद ऊपर का काम तो अच्छा लो फाइनली अपने टाउन हॉल की फ्रंट साइड मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट कर दिया है अब मुझे नहीं मालूम

कंप्लीट कर दिया है और इस टाइम ने पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है तो क्या आप लोग रेडी हो उसको देखने के लिए तो थ्री टू वन लेट सी तो गए जैसा कि मैंने कहा था जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब इसकी लुक देखना कितनी ज़्यादा खतरनाक लगेगी मतलब क्यार इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही थी ना वो कुछ अलग ही थी बट जब मैंने इसको बनाया ना तो उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो ना ये मैंने बाद में बनाया पहले मैंने आपको इतना तो बनाकर दिखा दिया था पर मेरे को ना थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा था पर जैसे ही मैंने वॉस टावर्स बनाए ना साइड में भाई इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सी हो चुकी है और इस टाइम पर ना गैस ये एक टाउन होल नहीं ये एक छोटा का लग रहा है भाई जो भी काफी ज़्यादा बढ़िया है और मुझे ना इतना पक्का पता था कि इसकी जो कॉम्बिनेशन है ना इस वाले ब्रिक्स के साथ अपने स्टोन ब्रिक्स के वो बहुत तगड़ी होने वाली है और अंदर से तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और ये देखो भाई क्या ही लुक है ऊपर का थोड़ा बहुत पार्ट ना मैं इसे चेंज करूँगा क्योंकि मेरे पास ना अभी प्लैंक्स बिल्कुल एकदम खत्म हो चुके हैं तो मेरे को और लेकर आने पड़ेंगे तो जैसा आप इतनी थीम देख पा रहे हो ना यही थीम पूरी आगे तक जाएगी और ये पीछे वाला पार्ट भी इनकम्प्लीट है इसे मैंने बनाया नहीं क्योंकि जैसा गेट इधर मैंने बनाया ना इधर मैं सेम टू सेम गेट नहीं बनाऊंगा इधर मैं सोच रहा हूँ ना इसे एकदम ओपन रखें

पहले पीछे जाना पड़ेगा मेरे को ना एक बार देखना है कि अपने कासल के ऊपर से कैसा दिख रहा है एक तो यार ये स्पाइडर वगैरह अलग ही दिमाग खराब करती है अभी भाग के ऊपर भी आ जाएगी इसको ऊपर नहीं आने दूंगा ओ क्रीपर भाई क्रीपर भी पानी पे से चढ़ के ऊपर आ रहा था भाई अभी तो गलत ही ब्लास्ट हो जाता रुक तो जाओ पहले मैंने यहाँ से थोड़ा सा पीछे निकलता हूँ क्योंकि यार ये कुछ ज्यादा ही शैतान हो गए हैं और यार देखो अभी भी ये ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट है जो चीज़ हमने दो आगे बनाई है ना इसी दोनों टावर्स को मैं पीछे बनाऊंगा ना तो ये ज्यादा बेटर लगेगा बट यार जो भी हो जैसा भी हो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और अभी ना इसके अंदर मैं काफी सारे चेंजेस और भी करूंगा जिससे